वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वचन भाग 3 पार्ट 15 सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? आंसर देखते हैं। बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को बढ़ाने के लालच में दूध पीने को तैयार हुए थे। वो भी सोच रहे थे कि मेरी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? आंसर देखते हैं, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को खाना अधिक पसंद करते थे। हम सब जानते हैं कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो आंसर है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वाभी नागिन जैसे लहराएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? आंसर देखते हैं, तैही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में, ग्वाल मतलब गोपियाँ के मन में, यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही हैं, मतलब शिकायत कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो आंसर है, दोनों पदों में मुझे पहला पद अधिक अच्छा लगा, क्योंकि वे माँ यशोदा से शिकायत करते ही हैं कि दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी लंबी और मोटी नहीं हो रही है, इसलिए इनके भोलेपन और निश्चल स्वभाव का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मक्खन चुराते समय भी कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? आंसर है, श्री कृष्ण को मक्खन ऊंचे टंगे छीकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था, तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते थे व आधा अपने शाखाओं को खिलाते थे, जिसके कारण माखन जगह जगह पर गिर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे पद के पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? आंसर है, श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है, इसके लिए एक शब्द लिखिए। आंसर है, माखन चुराने वाला, माखन चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो फर्स्ट है गोपाल, सेकंड है द्वारकाधीश, थर्ड है मुरलीधर, फोर्थ है मोहन और फिफ्थ है वासुदेव। वासुदेव कहा जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम वासुदेव था, और मुरलीधर मतलब क्योंकि ये मुरली को धारण करते थे, मोहन मतलब इनकी जो मुस्कान थी वो बहुत मोहन थी, और नेक्स्ट है हमारा द्वारकाधीश, इनको द्वारकाधीश इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये द्वारकाधीश के राजा थे, इन्होंने ही द्वारकाधीश की स्थापना की थी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।